इंडिया का सीईओ बनके रॉकी भाई की केजीएफ 2 ने जो बॉक्स ऑफिस पे भौकाल मचाया है, इसके सामने ट्रिपल आर जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी भी हिल गई। पर लगता है रॉकी भाई का दुनिया जीतने का सपना अभी बाकी है, क्योंकि 1200 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे छापने के बाद भी इस मूवी को वर्ल्ड वाइड वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है जो आरआरआर को मिल रही है। I am the CEO of Delva Steel Texas. I am also CEO. Which one? India. केजीएफ के चैप्टर 2 के अंदर वो सब कुछ है जो एक हॉलीवुड के एक्शन मूवी के अंदर होता है, यानी नेक्स्ट लेवल की सिनेमेटोग्राफी से लेकर तोड़फोड़ एक्शन तक, यानी हर हॉलीवुड वाला मजा देती है ये मूवी। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद केजीएफ चैप्टर 2 को वो अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रही है जो वो डिजर्व करता है इंटरनेशनल लेवल पर। इसका सादा और सिंपल सा आंसर है, ये मूवी एक सीक्वल मूवी है। अब याद करो 2018 में जब केजीएफ चैप्टर 1 आया था, तब इस मूवी को हल्के में लिया गया। ऊपर से इस मूवी का शाहरुख खान के जीरो के साथ क्लैश था, जिस वजह से एक पैन मूवी होने के बावजूद इस मूवी को स्क्रीन्स काफी कम मिले। साला 10 बार चक्कर मारने पर भी ये मूवी थिएटर पे लगी ही नहीं थी। पर एंड में रिजल्ट ये निकल के आया, मूवी वर्ड ऑफ माउथ के दम पे हिट तो हो गई, पर अपने आप को पूरे इंडिया के अंदर एक्सपांड नहीं कर पाई और इंडिया में एक लिमिटेड मूवी बनकर रह गई, जिस वजह से दुनिया को ये देखने का मौका मिला ही नहीं कि केजीएफ का चैप्टर 1 है क्या चीज और रॉकी भाई है क्या बला। अब ये ऑब्वियस है कि केजीएफ का चैप्टर 2 अपने फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन है। अब एक मास कमर्शियल मूवी होने के बावजूद इस मूवी के अंदर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि केजीएफ का जो मेन कोर है वो है इस मूवी के अंदर का इमोशन। वो रॉकी के माँ का वादा ही है जो इस विलन को भी एक हीरो बनाता है हमारे नजरों में, जो पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल अमीर आदमी बन के मरना चाहता है। और रॉकी भाई के इस इमोशन को समझने के लिए पूरी दुनिया को पहले चैप्टर 1 देखना होगा, तब जाके पूरी दुनिया समझेगी कि चैप्टर 2 के अंदर ये सारे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं और रॉकी भाई केजीएफ में बैठ के इतना बड़ा एम्पायर क्यों बना रहा है। और सिंपली कहो तो पूरी दुनिया ने रॉकी भाई की ओरिजिन मूवी नहीं देखी है और इतनी मैडनेस होने के बावजूद दुनिया चैप्टर 2 से कनेक्ट हो ही नहीं पा रही है। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा मां। इसके अलावा ट्रिपल आर के एक्शन और केजीएफ के चैप्टर 2 के एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है, जहाँ ट्रिपल आर का जो एक्शन है वो लार्जर देन लाइफ वाला है, यानी उसमें एक यूनिकनेस है। टाइगर के साथ मिलके फाइट करना हो या बाइक वाला सीन, एसएस राजामौली का ये एक्शन नया था पूरी दुनिया के लिए। वही प्रशांत नील के एक्शन की बात करें तो वो हॉलीवुड से मिलता जुलता तो है, पर वो वर्ल्ड के लिए नया नहीं है। अब हमारे लिए केजीएफ 2 का जो एक्शन है वो किसी भौकाल से कम नहीं, क्योंकि रॉकी भाई का स्वैग नजर आता है हर एक्शन सीन में, पर वर्ल्ड के लिए वो लार्जर देन लाइफ वाले एक्शन सीन्स नहीं है। मशीन गन से लेके चेजिंग सीन वाले एक्शन नॉर्मली उनके एक्शन मूवीज में होते ही है, और स्पेशली एक्शन की बात करें तो जो एक्सपीरियंस एसएस राजामौली के आरआरआर ने पूरी दुनिया को दिया है, सैडली वो डिलीवर नहीं कर पाते केजीएफ की चैप्टर 2। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। देखो केजीएफ आज के डेट में एक ब्रांड है इंडिया में, और मैं डैम श्योर हूं कि आगे चल के रॉकी भाई की केजीएफ दुनिया जीतेगी, क्योंकि चैप्टर 1 ने खुद को इंट्रोड्यूस कराया था लोगों से, जिसकी सक्सेस तो बड़ी नहीं थी पर उसका इम्पैक्ट काफी पावरफुल था, और यही वजह थी जिस वजह से चैप्टर 2 ने पूरे इंडिया के अंदर रूल किया, जिसका बटरफ्लाई इफेक्ट केजीएफ के चैप्टर 3 में होगा और पूरी दुनिया देखेगी कैसे रॉकी भाई वर्ल्ड वॉर 3 करके पूरी दुनिया के अंदर केजीएफ को एक्सपांड करेगा और अपना एक नया एम्पायर बनाएगा। हाँ, पर ये भी एक कड़वा सच ही है, केजीएफ के चैप्टर 1 के बिना चैप्टर 2 की कोई वैल्यू नहीं, भले ही चैप्टर 2 कितना भी ग्रैंड हो, क्योंकि रॉकी भाई की केजीएफ की असली जान उसके चैप्टर 1 में बसी है। तो इसी बात पे जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरे।